दिल्ली में शाहीन बाग के सामने 15 दिसंबर से CAA और NRC के विरोध में धरने पर बैठे लोगों के कारण दिल्ली नोएडा मार्ग पूरी तरह से बंद है, जिसके कारण कालंदी कुंज से होकर नोएडा से दिल्ली और फरीदाबाद आने जाने वाले लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। इस मामले में कई दिनों से चुप बैठे केजरीवाल ने पहली बार शाहीन बाग को लेकर कुछ कहा है। एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास पावर होता तो 2 घंटे में शाहीन बाग का रास्ता खुलवा देता। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह जैसा मजबूत आदमी एक रास्ता नहीं खुलवा सकता क्या? दरअसल वो खुलवाना नहीं चाहते क्योंकि उनका इसमें फायदा है। बीजेपी पूरा चुनाव शाहीन बाग पर लड़ना चाहती है। आप देखना, चुनाव के बाद ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वहां पर 3 बार फायरिंग हो चुकी है। एक चुनाव जीतने के लिए इन्होंने देश की राजधानी की कानून व्यवस्था को दांव पर लगा दिया। हमारे पास पुलिस होती तो हम सड़क खुलवा देते। इस सब में रोज हजारों लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं कल पीएम मोदी ने दिल्ली के कड़कड़डूमा में रैली से केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि शाहीन बाग में प्रदर्शन महज एक संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है। यही वो लोग हैं जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा रखने वाले को आज तक बचा रहे हैं। क्या दिल्ली के लोग ये भूल सकते हैं? भाइयों बहनों, इसकी वजह क्या थी? वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। कैसे लोग दिल्ली में विकास के लिए सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं? कतई नहीं दे सकते। साथियों, सिलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने के इरादे रखता है। ये सिर्फ एक कानून का विरोध होता तो सरकार के तमाम आश्वासनों के बाद ये समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस राजनीति का खेल खेल रहे हैं। तो ये थी शाहीन बाग को लेकर ताजा अपडेट। देश दुनिया की और भी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए।